पर मैं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों देख पा रहे फर्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं भूगोल के अंतर्गत जो है स्थल मंडल का भी अध्ययन किया जाता है एंड जल मंडल का भी किया जाता है एंड वायुमंडल एंड आपका जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। तो ठीक है, ये सभी का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, तो ये हम लोग भूगोल के अंतर्गत करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से जो कौन भारत की राजधानी बच्चों। तो भारत का राजधानी सबको पता है कि भारत का राजधानी जो दिल्ली भारत का राजधानी था, इससे पहले जो था कहाँ था, कोलकाता था, लेकिन अभी वर्तमान में अपना भारत का राजधानी दिल्ली है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे बच्चों जो आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो मानव भूगोल की शाखा की अगर बात किया जाए तो जनसंख्या भूगोल जो मानव भूगोल की शाखा है, नगरीय भूगोल भी आ जाएगा, आर्थिक भूगोल भी हो जाएगा। तो ये सभी जो इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मानव भूगोल की शाखा ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देख पा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है ना, कृषि भूगोल निम्न में से जो है किस पहलू का अध्ययन किया जाता है। देखिए कृषि भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है बच्चों, हम लोग भूमि प्रतिरूप का करते हैं, सिंचाई का भी करते हैं, कृषि समस्या इनमें से सभी, तो इसका इसमें सभी हो जाएगा, बिल्कुल इसका इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। चलिए देखिएगा भूगोल वेता कार्ल रीटर, यानी कार्ल रीटर निम्नलिखित में से किस देश के रहने वाले थे बच्चों। तो देखिए हम लोग जानते हैं कार्ल रीटर जो है कहाँ के रहने वाले थे, है ना, कनाडा के थे, जापान या जर्मनी। तो देखिए आपको देखिए 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व के सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप जो है कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा, एशिया ही है, और सबसे ऐसे भी बड़ा है और साथ साथ में घनी भी जो है सबसे ज़्यादा एशिया का ही है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, एशिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं सेवन नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ गया है ना, निम्न में से जो कौन प्रवास का एक कारण है बच्चों, प्रवास का कारण आपको बताना है। निम्न में से जो कौन यानी प्रवास का एक कारण होगा, तो युद्ध हो जाएगा, बिल्कुल युद्ध की वजह से भी प्रवास होता है लोग एंड राजनीतिक अस्थिरता की वजह से भी होता है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पटना निम्न में से जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम लोग जानते हैं पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बच्चों, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिएगा, निम्न में से जो कौन एक घना बसा क्षेत्र है। तो देखिए घना बसा क्षेत्र जो होता है ये मरुस्थल में जो है घना बसा क्षेत्र होगा, बिल्कुल मरुस्थल में घना आबादी नहीं पाया जाता है ना, नदी घाटी में जो है पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल नोट करना है, ठीक है बच्चों। एक कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच की अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कुल क्षेत्रफल बटे कुल जो मतलब क्या जनसंख्या को हम लोग जो कहते हैं बच्चों, इसको जनसंख्या घनत्व तो निकाला जाता है इससे हम लोग बच्चों, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्न में से जो किस शहर में जो है लोह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है। तो लोह इस्पात स्थापित जो किया जमशेदपुर में भी किया गया एंड बोकारो, ये दोनों जगह किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, सी यानी बोथ हो जाएगा, है ना, बी ए और बी बोथ यानी बोथ हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्था है। तो हम लोग जानते हैं जनसंख्या संक्रमण की जो है चार अवस्थाएं हैं, बिल्कुल याद रखना है। इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके क्लियर। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान में जा रहता है तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों, तो इसको जो है ना प्रवास कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का प्रवास लिखिएगा, है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से जो है कौन झारखंड की राजधानी बच्चों। तो झारखंड की राजधानी के बारे में आपको बताना, तो हम लोग जानते हैं झारखंड का राजधानी जो है कहां पर है, धनबाद बिल्कुल नहीं, रांची। हम लोग जानते हैं झारखंड की राजधानी कहां पर है, रांची। तो इसका आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय है। देखिए जनसंख्या को नियंत्रण जो है कैसे किया जाए, अभी पता है आपको सबसे बड़ा जो है जनसंख्या वाला राज्य देश जो अभी भारत हो गया है ना, ये आपको पता है। और इस पर नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रवास करना पड़ेगा, बिल्कुल इससे प्रवास से नहीं होने वाला। शिशु भ्रूण हत्या करोगे इससे नहीं होगा, परिवार का नियोजन करना है, ठीक है, प्लानिंग करना, प्री प्लानिंग करना आपको, यानी फैमिली प्लानिंग प्लानिंग जो है बहुत जरूरी है। अगर फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं तो आपको यानी इससे जो क्या होगा, यानी जनसंख्या कंट्रोल होगा जनसंख्या पर, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नियोजन यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या कौन सा स्थान है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो अभी जो द्वितीय था उस टाइम, लेकिन अभी जो है क्या प्रथम है बच्चों। प्रथम में जो कौन था, यानी चीन था प्रथम में था, लेकिन अभी जो है बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार की बात कर रहे हैं हम लोग। भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल में होता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं भारत में जनसंख्या जो है 10 साल के अंतराल पर होता है ना, जो पूर्ण रूप से जनगणना जो हो रही है वो 10 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न से जो कौन सा एक मेगा शहर है बच्चों, मेगा शहर जो है बच्चों सबसे ज्यादा जो आप लोगों को पता है मुंबई एक मेगा शहर है, दिल्ली भी है एंड चेन्नई भी। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर बच्चों ऑप्शन डी, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो बच्चों किसका है, यानी मुंबई बहुत बड़ा जनसंख्या है, ठीक है, मेगा शहर की। हाँ, मेगा शहर सबसे बड़ा मेगा शहर कौन सा, मुंबई है ना, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है महाराष्ट्र में स्थित है बच्चों, देखिए महाराष्ट्र में पुणे भी स्थित है,
नागपुर भी है, मुंबई भी है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम था, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो था यूपी था यानी उत्तर प्रदेश, एंड सबसे कम अगर बात किया जाए तो बच्चों बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए सबसे कम यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम था, बिहार का नहीं, मिजोरम का नहीं, झारखंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश का था, इसके याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। और यहाँ जो है पता है सबसे मतलब यहाँ जो घनत्व यानी कम पाया जाता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है, 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति जो निवास करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, देखिए केंद्र शासित प्रदेश हम लोग जानते हैं कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना हाल ही में, है ना, चंडीगढ़ तो पुडुचेरी सभी होगा, इसका आंसर आप लोग का बच्चों, है ना, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न से जो कौन जनसंख्या विकास के घटक बच्चों, तो जनसंख्या विकास का जो घटक बच्चों जन्मदर भी है एंड मृत्यु दर भी हो जाएगा आपका यानी प्रवास भी हो जाएगा, तो इसका सभी इसका आंसर आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। निम्न से जो कौन सी समस्या युवा पीढ़ी से संबंधित है बच्चों, युवा के लिए सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम जो है बच्चों वो कौन सा है ना, एंगर जो आपका यानी ये जनरेशन के लिए जो सबसे बड़ा जो है यानी ये दिक्कत है, तो बच्चों क्या है, मादक पदार्थ की लत यानी, ठीक है, उसके बाद अपराध है ना, ये दोनों जो होगा, ड्रग एडिशन, ये सारा जो जिसको जैसे ये बोथ हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष लागू हुआ था बच्चों, तो बिल्कुल राष्ट्रीय युवा नीति के बारे में इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप करते हैं, कहीं आपका 2014 दिखा रहा है लेकिन आपका 2007 दिया हुआ है, तो चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपको कितना 25 ही क्वेश्चन का आंसर देना बच्चों, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं भारत में सबसे बड़ा अगर धार्मिक समूह की अगर बात किया जाए बच्चों तो वो आपको बताएं हिंदू धर्म जो सबसे बड़ा यानी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, युवा जनसंख्या किस आयु समूह को कहते हैं बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 1460 वर्ष को जो है युवा पीढ़ी कहा जाता है, ये बिल्कुल आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। आंतरिक प्रवास कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, इनके बारे में बताइए, तो आंतरिक प्रवास शायद तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, बात करते हैं मलिन बस्ती किस क्षेत्र में पाया जाती है बच्चों, तो ये आप लोगों को बताना है। देखिए मलिन बस्ती सबसे ज़्यादा जो बच्चों का कहाँ पाया जाता है, शहर में पाया जाता है ना, एंड ग्रामीण में भी पाया जाता है लेकिन मलिन बस्ती सबसे ज़्यादा शहर में, तो दोनों हम लोग दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, जब कोई व्यक्ति जहानाबाद से मुंबई रोजगार के लिए जाता है तो ये किस प्रकार का प्रवास है बच्चों, जब कोई जहानाबाद से मुंबई जाता है तो जहानाबाद क्या ग्रामीण से ग्रामीण है, नहीं शहरी ग्रामीण प्रवास होगा या शहरी से शहरी प्रवास, तो इसको देखिए जहानाबाद क्या है, शहर में भी ये भी है मुंबई भी है, तो ये क्या होगा आपका यानी शहरी से शहरी प्रवास, अगर गाँव से आता तो ग्रामीण प्रवास हो जाता, कहाँ से ग्रामीण प्रवास हो जाता, अगर गाँव से अगर कहाँ शहर की जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, ग्रामीण से यानी नगरीय प्रवास। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, नगरीय प्रवास कहा जाता है, ये चीज़ आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको पता ना जहानाबाद और क्या हो जाएगा, ये आपका शहरी से शहरी प्रवास हो जाएगा, है ना। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ईसाई जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ईसाई का जनसंख्या सबसे अधिक बच्चों कहाँ पे, गोवा में भी है, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग को मैंने अभी जो बताया ये आप लोग का क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आप लोग अभी देख पा रहे हैं ये आप